पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। पार्टी कार्यालय में विधायक दल की बैठक हुई, इसमें बाबूलाल मरांडी को विधायक दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष चुने जाने का ऐलान किया गया। ऐलान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन्हें बधाइयां दी हैं। राष्ट्रीय महामंत्री और पर्यवेक्षक पी मुरलीधर राव ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी के आने से पार्टी मजबूत होगी, और वहीं पार्टी उपाध्यक्ष ओपी माथुर ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी कहीं गए ही नहीं थे, पुराने दोस्त होने के नाते वो अपने घर वापस आए हैं, और वहीं विधायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुना है। जेएमएम महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्जी ने कहा है कि सदन के अंदर और बाहर बाबूलाल मरांडी को यह बताना होगा कि स्थानीय नीति के लिए 1932 का खतियान आधार था या फिर 1985 के आधार पर रघुवर सरकार फॉर्मूला। उन्हें भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन, आदिवासी मूलवासी की जमीन लूट जैसी जन विरोधी नीतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी, जिसका कल तक वो विरोध करते थे।